286 रुपए क्विंटल पर लागत से कम है, 286 रुपए क्विंटल। अगर सोने नाथ अगर युग की रिपोर्ट मान ली जाए तो धान का रेट बनता है 2349 रुपए क्विंटल। और इसी तरह से बाकी चीजों के रेट है, चने पे एक क्विंटल चना पैदा करने पे 3924 रुपए खर्चा आया है, एक क्विंटल जो पैदा करने पे 1462 रुपए खर्चा आया है, एक क्विंटल सरसों पैदा करने पे 3312 रुपए खर्चा आया है, एक क्विंटल बाजरा पैदा करने पे 1414 रुपए खर्चा आया है। इसी तरह कोई भी फसल 1995 से लेके आज तक के हमने सारे निकलवाए हैं, एक भी फसल ऐसी नहीं है जो लागत के बराबर रेट भी कभी किसान को मिल गया हो। किसान घाटे में जाएगा तो क्या जाएगा, और वही कारण है कि आज 20,000 किसान कर्जे में डूब के मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। डीएमआईसी कॉरिडोर के तहत 3,50,000 हेक्टेयर जमीन 6 राज्यों की जिन्होंने चिन्हित की है, रेवाड़ी में गोलीबार का बात चली, राजस्थान में कल रात भर हम लोग जीएसबी मशीन वापस करने के लिए कविता श्रीवास्तव कैलाश मीना हम सब लोग डटे हुए थे, आज सुबह पढ़ा रहे हैं। ये हर राज की और हर राज की लड़ाई जीने मरने की लड़ाई हो रही है, इसलिए एक बार ये कहना भी जरूरी है कि इनको समझना चाहिए कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान, कौन बनाता हिंदुस्तान, कौन बनाता हिंदुस्तान। और वही जिसके के हाथ मिट्टी में है, महिला का हाथ सही ये होता है, महिला लेती थी महिला, जिसके हाथ मिट्टी में है वो महिला। हमारे तमाम साथीगण आज ये जानते हैं कि खेती उपज को दाम देना है तो 3 गुना कम से कम ज्यादा देना चाहिए, उसके साथ कम नहीं। क्यों? क्योंकि कई सारी कमेटियों का रिपोर्ट कहता है कि घाटे का सौदा खेती होने की जरूरत नहीं है, सब एक साजिश है। वो जमीन हड़पकर कंपनियों को न्यूनतम दाम पर देती है, इसीलिए तब कहते हैं कि विश्व व्यापार संगठन के साथ अनुबंध हुआ है, हम नहीं दे सकते हैं। और फिर 3 लाख किसानों